हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग हमारे रिएक्ट ऐप को हेरोकू में डिप्लॉय कर सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उस ऐप्स को यूज़ करेंगे जो हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करके जो हम लोग बनाते हैं, उस रिएक्ट ऐप को कैसे हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको हेरोकू CLI इंस्टॉल करना होगा और हेरोकू में एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। हेरोकू में एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर हेरोकू CLI इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसे क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर हर एक सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया गया, जैसे macOS, विंडोज़ या यूबुंटू में, जैसे आप चाहें उस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं हेरोकू CLI को। तो एक बार आपने हेरोकू CLI इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर हेरोकू कमांड्स हमें अवेलेबल होते हैं, तो वो उसे यूज़ करके आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं हेरोकू लॉगिन कमांड यूज़ करता हूँ, जिसे यूज़ करके मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूँगा अपने अकाउंट में। ओके, तो अब यहाँ देख सकते हैं मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका हूँ अपने अकाउंट में। और उसके बाद आपको ये सबसे पहला स्टेप है, लॉगिन आप रहना चाहिए। उसके बाद आपको अपना एक नया ऐप क्रिएट करना होगा हेरोकू पे। तो मैं यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ रिएक्ट प्रॉड 1 2। ओके, और मैं यहाँ पर इस ऐप को क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं क्रिएट कर लूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर वो क्रिएट हो चुका है। और मैं अभी इधर सेटिंग्स सेक्शन में आ जाता हूँ, और इस सेटिंग्स सेक्शन में मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बिल्ड पैक करके एक सेक्शन है। तो यहाँ पर मुझे एक बिल्ड पैक ऐड करना है, तो मैं इधर ऐड बिल्ड पैक बटन पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर ये URL मुझे पेस्ट करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ये URL पेस्ट कर लें। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस URL को यहाँ पेस्ट कर दूँगा और मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ। ओके, सो अब वो सेव हो चुका है। उसके बाद मुझे अपने प्रोजेक्ट में इस हेरोकू ऐप को एज अ रिमोट सेट करना होगा, तो वो URL आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है, हेरोकू गिट URL। तो मैं अभी इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम मुझे इसे रिमोट सेट करना होगा, तो गिट रिमोट ऐड हेरोकू और URL को यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो अभी गिट रिमोट डैश वी में करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ओरिजिन नहीं होगा, उसके बजाय हेरोकू यहाँ पर कमांड होगा, हेरोकू एज अ रिमोट यहाँ पर होगा, जो मैंने यहाँ पर नाम दिया है वैसे। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ एक कमांड रन करूँगा और हेरोकू हमारे लिए सारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी इंस्टॉलेशन है, डिपेंडेंसीज और प्रोडक्शन मोड में रन करना हो, सारा चीज़ हेरोकू यहाँ पर हैंडल कर लेगा। तो उसके लिए मुझे बस एक कमांड यहाँ रन करना है, वो है गिट पुश हेरोकू या जो नाम आपने रिमोट का दिया है वो नाम, और यहाँ पर मास्टर कोलन मास्टर। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि गिट पुश करना है हेरोकू में, लेकिन ये पहला जो मास्टर है मुझे स्पेसिफाई करे कौन से ब्रांच को मुझे पुश करना है। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ, तो मैं यहाँ पर बोला गिटअप का जो मास्टर ब्रांच है वो मुझे हेरोकू के मास्टर में पुश करना है। ठीक है, तो ये गिटअप का ब्रांच का नाम है और हेरोकू के ब्रांच का नाम है, तो उसे मुझे पुश करना है। अब सिंपली मैं एंटर दबाता हूँ, दैट्स इट। अभी हेरोकू पूरा हमारा कॉन्फ़िगरेशन हैंडल कर लेगा, वो हमारे लिए जो भी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल कर लेगा और इस हमारे क्रिएट रिएक्ट ऐप को प्रोडक्शन मोड में भी रन कर देगा। ऑसम, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट ख़त्म हो चुका है और जहाँ पर हेरोकू हमें URL दे रहा है, तो URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ और दैट ओपा के मैं ओपन कर दूँगा। तो हमारा जो ऐप था वो अभी यहाँ पर चलना चाहिए। ऑसम, तो हम लोग इजीली अब देख सकते हैं कितना आसान है और हेरोकू में पुश करना, डिप्लॉय करना हमारे रिएक्ट एप्लीकेशंस को। तो सिंपली आप अब यहाँ पर आप ऐड अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं, और आपको सिर्फ जब भी डिप्लॉय करना है तो सिंपली आप ये कमांड रन कीजिए और आपका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलता हूँ। बाय गाइज़।